हाय गाइस, मैंने हॉस्पिटल पिंकी और आप सभी का स्वागत है विद टेक नॉलेज में। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं फ्लटर की हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्लटर में कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, देन कमांड पैलेट पे जाना है हमें। देन यहाँ पे आपको लिखना है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, फर्स्ट में आ गया है। अगर नहीं आया तो आप लिख भी सकते हो फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देंगे एप्लीकेशन मॉड्यूल पैकेज प्लगइन, बट हमें यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो जनरेट अ फ्लटर एप्लीकेशन पे हमें क्लिक कर देना है। यानी यहाँ पे हमें वो फोल्डर सिलेक्ट करना है, ये कौन से फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम फ्लटर नाम की फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे देन सिलेक्ट अ फोल्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट, इन पे क्लिक करना है सिंपल से। और यहाँ पे हमेशा स्मॉल में ही लिखना है आपको। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम रहेगा माई ऐप रख देते हम, देन एंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना हमारा स्टार्ट कर देगा। और ये एक डेमो मतलब एक ऑटोमेटिक एक एप्लीकेशन हमें तैयार करके देगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंट वाली होती है नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है, सारे फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट हमने जिस फोल्डर में क्रिएट किया था वो है हमारा ये फ्लटर माई ऐप। ये देखिए माई ऐप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ही वो सारे के सारे क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो भी इसमें डिफॉल्ट हमें मिलते हैं फ्लटर में वो भी यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसे मिनिमाइज करते हैं और ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए हम यहाँ पे भी देख सकते हैं तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, डिफॉल्ट जो है वो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मिल रही है। और हम जानते हैं कि फ्लटर का यूज़ क्या है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि iOS एंड एंड्रॉयड दोनों में ही चलता है, सिंगल कोड बेस दोनों में ये यूज हो जाता है। कुछ माइनर आपको चेंज करना पड़ता है जैसे कि एप्पल आईडी, वो सब आपको पहले से ही क्रिएट करके रखना होता है, देन यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे VS Code का यूज़ कर रहे हैं, आप Android Studio में भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग IDE में भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, देन हम देखेंगे कि कैसे आगे का प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल रहे हैं जो आपने अगर आपने Android Studio सीखा होगा तो उसमें भी आता है, मतलब Android सीखा होगा उसमें एंड्रॉइड की जो भी फोल्डर्स है वो भी इसमें आ जाती हैं, देन iOS में जो भी आता है वो इसमें दोनों डिफॉल्ट आ जाते हैं, iOS एंड एंड्रॉइड दोनों आ जाते हैं। और इस जो प्रोजेक्ट है वो आप वेब पे भी रन कर सकते हो, एंड्रॉइड में भी रन कर सकते हैं एंड देन iOS में भी रन कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए वेब टेस्ट नाम का एक फोल्डर आता है, देन यहाँ पे लिब मीन्स लाइब्रेरी। तो जो भी सारे हमारे जो क्रिएटिव करना है, जो भी हमें बैक एंड फ्रंट एंड जो भी कोड लिखना है वो यहाँ पे हम लिखते हैं, मेन डॉट से स्टार्ट करते हैं हम, उसके बाद एक्सटेंड करा के हम जो भी पेज हमें बनाना है वो हम बना सकते हैं। देन फ्लटर की बात करें तो पब्स डॉट YAML ये एक फोल्डर है जिसकी मदद से हम सारे के सारे इंस्टॉल करके अपना बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी आप पैकेज इंपोर्ट करोगे उसके बाद ही हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई फॉन्ट रखना है तो फॉन्ट भी हम यहाँ से रख सकते हैं, बट पहले हमें यहाँ पे उसको क्रिएट करना है, उसको यहाँ पे डिफॉल्ट एक वेबसाइट है pub.dev, उससे आप ला सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिफॉल्ट एक हमें ऐप मिल रहा है जो कि हम रन करके अभी देखेंगे। ये देखिए पहले से ये, तो इसे हम रिमूव कर देंगे सिंपल सा, और यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है धीमे धीमे। ये कमेंट जो है वो सारी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, और ये कोड की लेंथ जो है थोड़ी छोटी हो जाए इसलिए, तब तक ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है हमारा लोड हो जाए। चीज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, मैं यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं करूँगी, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा जब आप करोगे कोई एरर आएगा
तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम यहाँ पे सब कुछ सेम वही लेंगे जो आप अपने प्रोजेक्ट पे करोगे। ये क्लीन कर देना है हमें पहले, ताकि प्रोजेक्ट की लेंथ, अगर आपको ऑटो इंक्रीमेंट जैसे ही रखना है तो भी रख सकते हो आप, नहीं रखना है तो भी चलेगा। यानी आपको यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट कर देना है, जो भी आपकी डिवाइस हो वो, अगर आप रियल टाइम यूज़ करें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें भी इमुलेटर रन कर सकते हो, देन आप इसको क्रोम में भी रन कर सकते हो। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमारा जो है, यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे, हाँ यहाँ पे न्यू टर्मिनल से ओपन करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है फ्लटर, फ्लटर रन इतना लिखना है। देन आपको यहाँ पे एक बार देख लेना है कि आपका मोबाइल कनेक्ट है या नहीं, यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है सिंपल से। रन पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, देन वो क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ पे हम मेनू, यहाँ विजिट का मेनू, यहाँ पे फ्लटर में जो भी होता है वो एक विजिट होता है, तो विजिट से हम एक एक विजिट के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है पैकेज, जो भी है यहाँ पे करना पड़ता, इम्पोर्ट हमें करना पड़ता है। तो ये सिंपल सा भी रन हो रहा है, तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट के सिंपल सा कर सकते हैं, सिंपल सा चेंजेस कर, हमें जो भी चेंजेस करनी है वो भी हम कर सकते हैं। तो देखेंगे कि हम देखेंगे कि हम हेलो वर्ड कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। तो ये था हमारा डिफॉल्ट एप्लीकेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।